एक बार सभी मिल करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। देखिए, जब से गायत्री मंत्र का उच्चारण करना, जब से गायत्री मंत्र बोलना बंद किया, तब से इस देश में, दुनिया में 200-225 देश हैं। उन देशों पर पूरा आप लोगों का राज था, आप लोगों की संस्कृति थी, आप लोग वर्चस्व में थे, पूरे भूमंडल पर आपका राज था। और आज परिस्थिति और स्थिति यह है, पूरी दुनिया में आप लोगों का एक भी देश नहीं है, या तो मुस्लिम देश है और या ईसाई देश है। ये हुआ क्यों? इसका केवल और केवल मात्र कारण क्या है कि उन लोगों ने अपना मत बनाया, धर्म उसको कहा और कहने के बाद उसका प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद आपकी संस्कृति को बदल दिया और आप भूल गए, और भूलने के बाद आज आपकी दशा आप खुद जानते हैं। तो इसलिए ईश्वर की शक्ति यदि आपको प्राप्त करनी है तो सुबह शाम बैठ करके आपको थोड़ी सी देर गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। एक बात जरूर बोलेंगे सभी मिल करके, ओम पूर्णवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज बड़ा शुभ दिन है। इस प्रातः काल की वेला में इतना शुभ कार्य इस शुभ उपलक्ष के रूप में किया गया है। हमारे बीच में समादरणीय आचार्य आजाद जी आर्य, जो मेरे से पूर्व बोल करके गए हैं, उपाध्यक्ष गोरक्षा दल हरियाणा। मैं तो कहूँगी जो लोग संगठन चलाते हैं तो संगठन दो, एक तो जन बल से चलता है और धन बल से चलता है। तो हमारे गोरक्षा दल क्या बाबा साहब है, अभी बोल रहे थे कि मैं लड़कियों के गोली चलाता हूँ। वैसे बाबा जी दिखाई दे रहे हैं आपको, परंतु पैसे से भी और बहुत चीजों से बलशाली व्यक्ति है। और धर्मात्मा कितने हैं आपने देख लिया होगा, वहां चप्पल निकली देखो आप, हवाई चप्पल ही पहनते धर्मात्मा इतने। पैसे की कमी नहीं है, परंतु सादगी आप देखिए और गौ माता के प्रति तड़प आप देखिए। हमारे बीच में बैठे हैं आज, आपकी इस पवित्र धरा पर आए हैं समादरणीय है। धर्मपाल जी शास्त्री इस क्षेत्र के धर्म प्रचारक, वैदिक धर्म के अनुयायी और वैदिक धर्म के दीवाने, आप भी हमारे बीच में बैठे हैं, आपका भी स्वागत है। समादरणीय बहन जी अनिता शोरान जी, जो चिड़ावा में सरला पाठशाला चला रही है, आज आपका जन्मदिन है, आप भी मंचासीन है, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। और क्षेत्र हरियाणा की तरफ से आपको बधाई है। और मंचासीन कमांडो साहब बैठे हैं, हमारे खिलाड़ी भी बैठे हैं, और मुख्य अतिथि चेयरमैन पार्षद, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, नाम भी इसमें लिखे हुए हैं, सभी को सम्मानित करते हुए इस मंच से। और मेरे सम्मुख जो गौ भक्त बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, और जो दानदाता रक्त दान कर रहे हैं, और जो हमारे डॉक्टरों की टीम है, उन सब का आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद इस कार्यक्रम में पहुंचने पर। धर्म प्रेमी सज्जनों, बहन जी का आज जन्मदिन है। एक राजस्थान में एक पुलिस वाला भी पाठशाला चलाता है, वो आपके संपर्क से है क्या, आपके परिवार से? अच्छा, तो मैंने उसकी वीडियो देखी है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप भी सरला पाठशाला चला रहे हैं। शिक्षा का दान बहुत बड़ा दान है, और आज आपके जन्मदिन उस पर रक्तदान हो रहा है।
ये सारे दान आप करते हुए अपने जीवन में चलते हैं, परंतु इसका सदुपयोग होना चाहिए आपके प्रत्येक कार्य का, क्योंकि आपकी एक एक समय की जो एक एक क्षण है उसका उसकी कीमत है। उस कीमत को आप यदि किसी को दे रहे हो तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। आपको रास्ते में कोई व्यक्ति मिलता है और उसने कहा कि आप मेरे को 20 रुपये दे दो, मेरे को 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, आपने 20 रुपये 10 रुपये उसको दिए और ऐसे 10 रुपये 20 रुपये उसने इकट्ठे किए और वो जा करके शराब के ठेके पर जा करके वो एक बोतल लेता है या एक अद्धा लेता है पौवा लेता है, वो शराब ले करके पी जाता है, तो आपके दिए हुए 20 रुपये ठीक है या गलत है? गलत है। आपका दिया हुआ दान भी धन भी और आपका दिया हुआ समय भी बेकार हो जाता है। तो इसलिए आप लोग जरूर चिंतन करें, जरूर विचार करें हमारे को कार्य क्या करना चाहिए। शिक्षा का दान इसलिए महान कहा, किसी व्यक्ति को आप दान दोगे शिक्षा का दान, आपने किसी को पढ़ा दिया है, अच्छी बातें बता दी है, उसके जीवन में काम आएगी, इसलिए कहा महान दान है, गलत दिशा में नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा पैसा आपने दान दिया तो विचारना पड़ेगा व्यक्ति को देना है या नहीं देना, ये पात्र है या कुपात्र है, परंतु शिक्षा आप किसी भी व्यक्ति को दो वो उस अच्छी शिक्षा को लेकर के और कहीं भी प्रयोग करेगा उसका परिणाम कैसा आएगा? उसका परिणाम अच्छा आएगा। इसलिए बहन जी जो पुनीत कार्य कर रही है इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दूसरा मैं निवेदन करूं आप लोगों से, गोरक्षा का अभियान चला हुआ है, मिशन विवाद के नाम से अभियान, आचार्य आचार्य जी और सब युवाओं ने मिलकर के विवाद में आज 2.5 वर्ष हो गए हैं इस हरियाणा की पवित्र भूमि पर, क्योंकि एक एक व्यक्ति को कमर कसनी पड़ेगी। मैं बात इसलिए निवेदन आपसे कर रहा हूँ, जैसे बहन जी ने जो कमर कसी के बेसहारा और जिनकी व्यवस्था शिक्षा की जिनके लिए नहीं है उनको पढ़ाना है, ये कार्य किसका होता है? ये कार्य राजा का होता है। नशा बंद करना राजा का कार्य है, हमारे देश में रक्त है ये राजा का कार्य है, ये सारे कार्य राजा के हैं। इस देश में गो हत्या बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए राजा का कार्य है, परंतु जब राजा भी करना हो जाता है तो ये कार्य कौन करेगा? प्रजा करेगा। प्रजा में से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि शुभ कार्य को करेंगे, तो आप लोग गोरक्षा का जो मिशन चला हुआ है, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि आपके बांडा साहिब ने 2 मुसलमान तस्कर चला दिए। देखिए इस देश में गाय की हत्या करने वाले 2 भी 200 भी चलाए जा सकते हैं, और इस देश में गाय की हत्या यहाँ का रहने वाला समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो आज इस शुभ दिन पर यहाँ गोरक्षा दल की टीम जो बांडा बलों पे है, यहाँ के सैकड़ों हजारों युवाओं ने संकल्प लिया है, महाराज जी हम आपके साथ हैं। जैसे कंस के समय में आतताई राजा भी आतताई हो गया था और उसके साथ लगने वाले आतताई हो गए थे, तो उस समय भी कुछ मंडलियां ऐसी बनानी पड़ी और संगठन ऐसे बनाने पड़े कंस का विनाश करना पड़ा। ऐसे ही संगठन में शक्ति होती है, यदि इस देश से गो हत्या बंद करनी है तो ऐसा संगठन आपके बीच में है गोरक्षा दल हरियाणा, जो लगातार मैं कार्य गिनाऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा, हरियाणा सरकार का एनिमल हस्बेंड्री का लाखों नहीं करोड़ों रुपए बजट है सालाना का, और आप उसका कार्य क्या है? किसी भी पशु की सुरक्षा रक्षा सेवा उसकी चिकित्सा करना, ये सरकारी हॉस्पिटल एनिमल हस्बेंड्री का काम है। परंतु मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ
यदि सड़क पर कोई गुंडा आपकी गाड़ी के नीचे आ जाता है, कोई गाय आपकी गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट हो जाती है, कोई हिरण आपकी गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सांप आपकी गाड़ी के नीचे अचानक आ जाता है, तो आप कहाँ सूचना दोगे? आप कहाँ पर फोन करोगे? आप किसको बताओगे कि गाय एक्सीडेंट हो गई है, एम्बुलेंस लेकर के आइए, दवाई लेकर के आइए, इसका सीट टूट गया, इसकी पट्टी कर दी, कहाँ पर सूचना दोगे? यदि आपके पास कोई सूचना तंत्र है या हरियाणा सरकार के पास कोई सूचना तंत्र है तो आप बता दीजिए। परंतु धर्म प्रेमी सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोरक्षा दल हरियाणा आज से नहीं वर्षों से कार्य कर रहा है। आप अभी बाहर निकलते सड़क पर एक फोन लगाइए और सूचना दीजिए। आप गूगल पर सर्च करिए गोरक्षा दल हरियाणा, आपको नंबर निकल करके आएंगे, आप फोन करिए, जरूर कोई ना कोई उठाएगा। आप बताइए कि बाड़ा में गाय एक्सीडेंट हो गई है, आपसे इतना निवेदन तो जरूर किया जाएगा। आप लोकेशन बताइए, आप जगह का नाम बताइए और 10 से 20 मिनट तो 25 मिनट आध घंटे के अंदर उस बेजबान पुरानी को एम्बुलेंस उठाने के लिए और हमारे कार्यकर्ता इलाज करने के लिए पहुंच जाते हैं। जिस कार्य को हरियाणा सरकार करोड़ों अरबों रुपए लगा करके नहीं कर रही, आज ये संगठन आपके बीच में बिना पैसे लिए आपसे